ये होता है डिफरेंस मुंबई में व्लॉग करने में और अपने घर के बाहर व्लॉग करने में। यहाँ मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ रोहित और आज घुमाऊंगा सिम सा शू शुई जो भी है। तो गूगल के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस आइलैंड पे खास नहीं है, कुछ म्यूजियम्स है, एक क्लॉक टावर है और मेरे पीछे जो क्या कहते हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स है। और चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। हांगकांग की एक अच्छी बात, हर जगह पब्लिक वाईफाई आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिम कार्ड अभी तक ख़रीदा ही नहीं है। ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया हूँ और कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए पब्लिक वाईफाई हर जगह, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ एवेन्यू ऑफ स्टार्स में, यहाँ पर भी पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, तो बस पब्लिक वाईफाई यूज़ करो। ये है हांगकांग म्यूजियम ऑफ आर्ट, बट मेन है ये व्यू देखने लायक, वो है हांगकांग आइलैंड और वो एक्चुअल हांगकांग है। मुझे टाइम लैप्स शूट करना था लेकिन मौसम जो है पीछे बहुत ज़्यादा हेजी है, एडिट पे जान निकल जाएगी। एक अटेम्प्ट करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर एक दिन और है मेरे पास, करते हैं कुछ। तो हो गया है टाइम लैप शूट, अब चलते सामने वाले म्यूजियम में। 2:30 हो रहा है, आई डोंट थिंक, पता नहीं खुला होगा कि नहीं, चेक करते। तो ये म्यूजियम अंडर रिनोवेशन है, चालू नहीं हुआ अभी तक। तो मेरे बगल में है स्पेस म्यूजियम। अब मुझे पता नहीं हांगकांग के पास खुद का स्पेस एजेंसी कुछ है कि नहीं, जैसे कि इंडिया का इसरो है, दुबई के पास भी है, अबू धाबी के पास भी है, वैसे ही हांगकांग के पास है कि मुझे आइडिया नहीं है, बट देखते हैं इस म्यूजियम में एग्जैक्टली है क्या। मुझे लगा हांगकांग में सिर्फ 3 या 4 म्यूजियम है, लेकिन नहीं, हांगकांग में 11 म्यूजियम है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन यहीं मिल गया कि इसका ओपनिंग आवर्स क्या है और क्लोजिंग डे कौन सा है। ओके, आई विल गो फॉर द फ्री वन टुडे। ओके, थैंक यू। अबो, ओके, थैंक यू। मेरे साथ हमेशा ये होता है, आज म्यूजियम फ्री है, नॉर्मली इनका कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। अब पूरा म्यूजियम देखते हैं। मैं ये म्यूजियम डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, मुझे बहुत मज़ा आया अंदर। अगर आप कभी हांगकांग आओगे तो ये इस म्यूजियम ज़रूर जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेन हांगकांग आइलैंड में चलते हैं फाइनली, अब बोट पकड़ेंगे चलते। वहाँ पे एक्चुअली है DJI का फ्लैगशिप स्टोर, अब DJI क्या है वहाँ पहुँच के बता रहा हूँ मैं। मैप का जो डायरेक्शन है वो रोटेट नहीं हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, बट समुंदर इस तरफ है तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेट किया, मतलब मुझे इस तरफ जाना है। बाय द वे, मैं हांगकांग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। हांगकांग जो है ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस है, एक्सपेंसिव प्लेस मतलब रियल इस्टेट के मामले में। यहाँ घर लेना बहुत ही एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट मुंबई और न्यूयॉर्क ये दो बड़े शहर भी हांगकांग के बाद आते हैं। रीज़न ये है कि हांगकांग जो है ये एक आइलैंड है और यहाँ स्पेस जो है वो बहुत लिमिटेड है, और जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इनको
यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया बता दिया है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन हो सकते नहीं, तो जो अवेलेबल लैंड है उसी पर काम होने वाला है। इसलिए हांगकॉन्ग बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे को दिख गया है KFC, DJI है बाद में, पहला यहाँ का KFC ट्राई करें कैसा है। तो KFC खा लिया हूँ, टेस्ट वाइज बात करूँ तो मेरे को इंडिया का ज़रा बेटर लगा। यहाँ का कुछ इतना मसालेदार था नहीं, कुछ डिप भी मुझे दिया नहीं, ना ही इसके जो ऊपर का क्रस्ट होता है उसके ऊपर कुछ तो स्वीट सा मसाला था, मेरे को पसंद नहीं आया। चलते अभी फाइनली DJI। जितना भी मैंने KFC खाया आई थिंक सारा कैलरी मैं बर्न कर दिया हूँ, उतना चला हूँ मैं, फाइनली पहुँच गया हूँ मेरा फेवरेट स्टोर DJI। अगर जिसको DJI नहीं पता, DJI एक बहुत ही बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। 2017 में मैं जितना साल का कमाया था ना, उसमें से पकड़ लो 70% ऑफ माय इनकम वाज फ्रॉम DJI के ड्रोन्स, मैंने इतना ड्रोन उड़ाया था। तो चलते देखते हैं फाइनली स्टोर को। वो था DJI या फ्लैगशिप स्टोर, आई थिंक पूरे हांगकॉन्ग में एक ही स्टोर है। फैंटम सीरीज जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब मे भी फैंटम 5 आएगा, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जैसे मुंबई पहुंच रहा हूँ मैं मैविक प्रो 2 खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुंबई पहुंच के ही शूट्स लाइन अपने पूरा। भाई KFC खाना नहीं चाहिए था मुझे, बहुत हैवी फील हो रहा है। DJI का स्टोर और ये फेरी टर्मिनल ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वॉकिंग होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं चुपचाप जाऊंगा मेरे आइलैंड, 7-Eleven से कुछ खाना उठाऊंगा और सो जाऊंगा। इस व्लॉग में कुछ नया ट्राई किया, कुछ सिनेमैटिक कंटेंट ट्राई किया, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।